इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट में देखिए कि जो डेल्टा एन जी वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, अगर ये वैल्यू देखें तो 10 माइनस 11 यानी माइनस 1 हो गया, गैशियस कम हो रहे हैं. तो एक यहां पे सपोज करिए इक्विबीरियम है, ये कोई आइडियल गैस सिस्टम है, अगर गैशियस वाले बढ़ गए तब तो पिस्टन ऊपर जाएगा यानी वर्क डन बाय सिस्टम हो जाएगा, और गैशियस अगर मेरे कम हो गए, है ना, ये तो खैर केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, गैशियस कम हो गए तो फिर ये वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग हो जाएगा. तो गैशियस कम हो रहे हैं तो ये पिस्टन नीचे की ओर जाएगा. तो पूछे ये रिप्रेजेंट सराउंडिंग दैट डू वर्क ऑन सिस्टम, तो फर्स्ट हो गया. इसी लॉजिक से सेकंड भी हो गया. फिर थर्ड में आइए, इसमें इधर वन गैशियस है, टू गैशियस है, तो बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग हो जाएगा. इसके बाद हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, ये स्पेशल केस है, H2O सॉलिड और ये इसके साथ है H2O लिक्विड. H2O सॉलिड जो है वो आइस है, तो आइस में एक्सेप्शन होता है, सॉलिड होते हुए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है और यहां वॉल्यूम कम हो गया. कम हो गया तो सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पे वर्क हो गया, सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पे वर्क हो गया. तो आंसर फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर.